उसकी बात कर यहाँ पे वल्डेमार की तरफ उतर चुकी है। टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स जस्ट उनके नीचे हमें देखते हैं लॉसिगॉस के पूरे के द्वारा प्रिंस को डाउन एंड टीएसएम एक्वानॉक्स, ये क्या चीज देख ली यहाँ पे, ब्लेज बाल बाल बचे, एक्वानॉक्स तो ऑलरेडी वहीकल डैमेज से यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। एनकोर के ऊपर फाइनली कोशिश, फर्स्ट हेड एंड के पास आई डोंट नो लगा के नहीं रहे, वेट कर रहे शायद कि जोन के रिमूव करें, एक अच्छा एरिया होल्ड करें एंड देन उसे लगाए। अब लगा ही नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है वहां पे फिलहाल के लिए, भागना पड़ेगा। साथ ही साथ बात करें 8 बिट के जैसी की, यहां पे बहुत शानदार स्प्रे देखने को मिलेगा, वैक्सी को नॉक किया, फिनिश किया एंड दैट्स द एंड फॉर वन मैन। ब्लेज स्टिल ट्राइंग टू स्टे अलाइव, इनको सामने इनके हैं, स्प्रे करने की कोशिश रहेगी, सर्कल के बाद जैसे ही होंगे फिनिश हो सकते हैं, स्प्रे करने की गलती होगी, सर्कल का डैमेज मिलेगा, ही इज गोना इवेंचुअली डाई, बट क्या एनकोर को वो किल मिला है? आई गेस No. No. Okay, Blaze is gonna die to the play zone. Encore के पास एक व्हीकल है जिसकी एचपी भले ही ज्यादा नहीं है, बट फटाफट से दूसरी व्हीकल के पास जाएंगे एंड उसमें गेट इन करके शायद सर्कल में पहुंच सकते हैं, बिकॉज सर्कल अभी भी 300 मीटर दूर है। और द अदर साइड सामवर की तरफ से सारंग को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा विद हिज मिनी 14 एंड ट्रस्ट मी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जिस तरीके से आगे बढ़ रही है एजिस पे खेलते खेलते काफी अच्छा नजर आ रहा है। बात करें टीम एक्सो की, पिछला गेम इनके फेवर में भले ही आया था बट इस गेम में दे हैव लॉस्ट पंक वंस अगेन एंड इट्स ओनली 3 मोर प्लेयर्स। नेट जाएगा शैक के अंदर, आइकॉनिक मस्ट जस्ट डाई बट उसको डॉज करेंगे बाहर आकर के। एक और नेट चेंज की तरफ से कुकोर है, वो स्मोक है जो आइकॉनिक की तरफ से 100 आईक्यू प्लेज हमको देखने को मिल रहे हैं। ये नेट शायद आइकॉनिक को डाउन कर सकता है, जी नहीं, उससे भी थोड़ा सा डैमेज मिलेगा, दैट्स नॉट जस्ट गोना बी इनफ। एक मोलोटोव भी टॉसिंग करी जाएगी बट क्या यहां पे आइकॉनिक जल पाएंगे? जी हां, जल जाएंगे आइकॉनिक, दिस टाइम वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच ऑफ दोस ग्रेनेड्स, मोलोटोव नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड एडवांटेज फॉर एक्सो। अब वो क्लोज इन भी करते नजर आएंगे, आइकॉनिक करने के लिए कोई भी प्लेयर आसपास नहीं है, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स थोड़ी सी स्प्लिट पे हमको नजर आ रही है एंड एक्सो सर्कल का ये एज अपने कंट्रोल में ले लेगी। बट मीनवाइल और रॉकेट डेस्ट्रो, ही गोज डाउन प्ले जोन से, जैजी ही गेट्स फिनिश्ड ऑफ, रेवेनेंट कैन को ही गेट्स ब्लोन अप बाय दैट व्हीकल। और साथ ही साथ बात करें, हमारे पास केवल 11 टीमें 35 खिलाड़ी बचे हैं। बिल्कुल, लॉकर के द्वारा सोनामी को भी डाउन कर दिया गया, राइवलरी स्पोर्ट्स के सोनी फॉक्स कहां बैठे हैं, अगर स्पॉट कर लिया इनको दिक्कतें बढ़ेंगी। एंड ओआर आदित्य जोन के बाहर है, इज ही गोइंग फॉर अ हील बैटल? मुझे लगता है यहां पे आप मिरामार के ऊपर हील बैटल करना चाहिए आपको। जी गॉड के द्वारा एनिग्मा के एगी को डाउन, ईवो के द्वारा एगी का कंफर्मेशन, फिनिशर स्टील होते दिख रहे हैं एनिग्मा के सेगी, यहां पे ईवो को डाउन करने के ट्रेड उठाया जा रहा है, जॉनथन के द्वारा सेगी को डाउन किया गया, जोन के बाहर ईवो का पिकअप आ चुका है। सो दैट दिस मींस कि ईवो सुसाइडल फिनिशर्स के जाते दिखे थे हमें क्रैक यहां पे, कोशिश देखी उनकी तरफ से थी, बट सांगवान विद द M249 विद द बीस्ट गन क्लोज इन करने की कोशिश पूरी पूरी देखने को मिल रही है। सामने कुछ प्लेयर्स को स्पॉट किया बट वहां पे पिक्सल मिस कर दिया इन्होंने एंड यहां पे डार्क, ओह ही इज गोना सेव दैट। केमिनी स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को और डाउन किया, केमिनी स्पोर्ट्स केवल एक प्लेयर पर जिंदा आपको नजर आने वाली है एंड going to be the last hope for Kevin Esports to stay alive, but दूर से हम कुछ और साथ में नजर आएंगे। और जो के आदित्य की तरफ से is going to take down Dark Global Esports down just two players, grenades tossing किए जा रहे हैं on towards Kevin Esports, परेशानियां खड़ी करी जा रही हैं उनके लिए, बट क्या यहां पे ग्लोबलीज के फियर्स का ये ग्रेनेड कुछ कर पाएगा? अभी तक भी ज्यादा डैमेज नहीं किया है Kevin Esports, at least चलिए एक प्लेयर को रिवाइव करके back in the game where two players ho jayegi, but is going to be that enough? Sonic Fox abhi bhi apna trigger discipline apne I know dekhne ko mil raha hai inki taraf se and ab ye player chahe to puri ki puri team ko help kar सकता है, he is spotted lower ground पे है, advantage इनके पास नहीं है, aim block रहेगा, global esports के पास advantage है but global esports एक भी bullet ना लगने के कारण इनको लगता है कि वो player मर चुका है, but little does they know कि player अभी भी जिंदा है and delta pg might just surprise them and backstab them, कोशिश जरूर रहेगी उनकी ये करने की but mj on the other side takes down enigma locker। बिल्कुल, अगर यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के ऊपर सरप्राइज होता है जो कि डेल्टा पीजी से हो चुका है फर्स्ट गेम की तरह, यहाँ पे भी डेल्टा पीजी की गन बोल की दिख रही है हमें। यहाँ पे सागवान का पिकअप कन्वर्ट कर चुके हैं, फिनिश मिल चुका है, फियर्स को स्पॉट किया, ट्राई कर रहे हैं रोटेट करके जोन के अंदर जाने का बट फियर्स को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। डेल्टा पीजी फर्स्ट एड पॉप इन कर लीजिए जितनी जल्दी हो सकता है वरना दिक्कतें बढ़ेंगे एंड अब यहाँ पे शायद दिक्कतें बढ़ चुकी है। आई डोंट थिंक डेल्टा पीजी बचने वाले क्रैक यहाँ पे, या ही इज लेट बट उनके टीममेट सोनी फॉक्स अभी भी जिंदा है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए मुश्किलें हो चुकी है बिकॉज दे स्टैब्ड इन देयर बैक्स एंड अब सोनिक फॉक्स ही केवल आखिरी प्लेयर बचते नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी क्या ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे, 9 टीमें 25 खिलाड़ी हैं एंड अगर आप सर्कल की बात करें सर्कल में सबसे ज्यादा एडवांटेज इन सेम के पास नजर आ रहा है। देयर यू गो, एक प्लेयर एक टीम पूरी भारत की नजर आएगी, दैट्स टीम एनिग्मा, अभी भी सोनिक फॉक्स जिंदा है, इनसेन का अगर आप पोजीशन दे सुपर गुड। मीनवाइल रैंकटैंक की तरफ से AKOP टेक्स आउट ग्लोबल स्पोर्ट्स एज वेल, वी आर डाउन टू द 7 टीम्स जिसमें अभी भी राइवल रीजन दा है सोनिक फॉक्स, ओह दिस माइट बी द एंड फॉर हिम, स्प्रे जा रहा जीकॉड का एक और गोली एंड देयर यू गो, केवल 6 टीम बस, एग्जैक्टली वही कल बस पड़ा है यहाँ पे, प्लेयर का पिकअप आ चुका है गैलेक्सी से, उसकी बात करेंगे। टेड को भी पिकअप कन्वर्ट किया जा सकता है, रिवाइवल देना थोड़ा मुश्किल, 6
टीम है 21 खिलाड़ी एंड जोन देखे क्राके कितना ज्यादा छोटा हो चुका है। हर एक टीम ट्राई कर रही है उम्मीदें लगा के बैठी की पबजी गॉड प्लीज जोन हम पर ले आई है। इनसेन के नियो टेड को यहां पर डाउन कर देंगे, शायद यहां पर नॉकडाउन ही गया, कंफर्मेशन नहीं आई है, बट बात करेंगे यहां पर जोन का शिफ्ट आ चुका है। एक्सो को भी कहीं ना कहीं थोड़ा फेवर करेगा स्काईलाइट्स को, एक बहुत बड़ा फेवर इनसेन के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि उनको पता है बैक क्लियर नहीं है, बट सेम गोज फॉर टीम स्काईलाइट्स आल्सो, बैक इनकी भी क्लियर नहीं है। इनसेन एक अच्छा कंपाउंड इस एरिया होल्ड कर रही है, चार दीवारी का कवर अगर आपके पास रहेगा तो बेनिफिट जरूर आते दिखेगा। बट बात करेंगे गॉडल रोटेट करना है, गैलेक्सीज के साथ फाइट भी लेनी है, क्या यहां पे रोटेशन में एक सेकंड की जो गलती है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये गलती होती है तो गॉडल को पनिश किया जा सकता है बाई जोन, बहुत ज्यादा रहेंगे बिकॉज अगर गॉडल नहीं सही समय पर रोटेट करेगी जोन का डैमेज इतना ज्यादा बुरी तरीके से डील होगा कि दिक्कतें इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती दिखेंगी हमें क्रैकी। बिल्कुल केवल छह टीमें हैं, अगर आप सर्कल की बात करें जो एडवांटेज था वो शिफ्ट हो गए इनसेन से गॉड लाइक के पास आ चुका है, एंड गॉड लाइक के पास अब तो हर्ड कवर भी है। सो यूसी की एक जब 20 के पास ऐसा एडवांटेज आता है तो क्या हो सकता है। एक्सो उनके जस्ट टॉप पे उनको नजर आने वाली, उनके पास भी भले ही सर्कल का एडवांटेज है बट उनकी फाइट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। मीनवाइल गॉड लाइक के प्लेयर्स दे आर प्रीटी चिल राइट नाउ, इनसेन के प्लेयर्स फाइट ले रहे हैं, एमजे को यहां पे यू नो नजरें गड़ाए बैठे हैं, बट एनजे इज गोना डाई टू द जोन। अभी भी हमारे पास छह टीमें एंड देयर कम्स द स्लैम्स, बाकी प्लेयर्स जो थोड़े से दूर थे गॉड लाइक के स्प्लिट में वो भी अपने टीममेट्स के पास आ जाने वाले हैं, एंड ये पूरा का पूरा कंपाउंड होल्ड होगा। बट यहां से इनसेन के गोब्लिन का स्प्रे जाता है, ओ एक एचयूए बचे है बच्चे बिल्कुल जीरो, बट उनके टीममेट क्लच गॉड अभी भी गाड़ी के पीछे लेटे हुए हैं, गोब्लिन को मिशन मिलेगा, गोब्लिन इज गोइंग टू टेक हिम डाउन। एंड क्लच गॉड के लिए टीममेट्स की तरफ से आप स्मोक देखिए कितने सही टाइम पे आए हैं, स्काईलाइट्स गेमिंग के प्लेयर्स भी इस चीज में फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। गैमला बॉय विल फिनिश ऑफ जोनाथन, इट्स जस्ट वन मैन फॉर टीम गॉड लाइक, एंड आई डोंट रियली सी वो इस सिचुएशन में कम बैक कर पाएंगे, एंड आई थिंक कि वो भी गेम से बाहर होने वाले, एंड यस रोनक विल टेक देम डाउन विद दैट ग्रेनेड। Meanwhile, OGK Ash, he goes down, AKOP, he goes down, Insanity is जो अभी यहाँ पे हमको छाती हुई नजर आ रही है, and Zylo की तरफ से, it's total of 5 finishes, look at it, Kylo, this man is on fire! इनसेन की इनसेन परफॉर्मेंस पिछले मैच की तरह इस मैच में भी आते रहे कि 15 फिनिशर्स का चिकन इस बार भले ना निकाल पाए बट एक चिकन के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद है बिकॉज फोर मैन स्टिल सर्वाइविंग विदाउट इवन लूजिंग अ प्लेयर विदाउट गेटिंग एनी कैजुअलिटी, इस टीम ने 9 फिनिशर्स निकाल लिए। सामने हमें दिख रही है स्काईलाइट जो कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें क्रिएट करेगी, एंड ये लीजिए जिस चीज की बात की सोमराज के द्वारा गॉब्लिन को डाउन किया गया, स्काईलाइट दिक्कतें क्रिएट करेगी, कहा था स्काईलाइट दिक्कतें क्रिएट कर रही है, वही कल बस्ट होगा, प्लेयर का पिकअप शायद आ सकता है। बट बात करेंगे यहाँ पे टीम एक्सो जो कि अब तक वेट करती है, अब इन्हें समझ आए कि मौका मिल चुका है इस फाइट के अंदर अपनी भी अब उसे शाइनिंग दिखाने का, यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ बढ़िया स्प्रेस कनेक्ट करने का, एक्सो के पास एक अच्छा मौका है, अगर खाइलो छोटी पिक देता है तो एक्सो कुड बी द टीम जो कि यहाँ पे स्प्रे डाउन कर सकते हैं उन्हें। गॉब्लिन की तरफ भी स्प्रेस लगातार जाने की कोशिश की जा रही है, आदि के द्वारा रोना को यहाँ पर डाउन करेगा, इनसेन के प्लेयर्स अभी भी इनसेन परफॉर्मेंस दिखाने से पीछे नहीं हट रहे, ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को लॉकडाउन करें, जब यहाँ पे रिवाइवल देंगे सोमराज मौका रहेगा कि इनसेन अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाए, अपने प्लेयर को पीछे बुला पाए, एंड ये लीजिए जिस चीज की बात की रिवाइवल दे चुके हैं, चार के चार प्लेयर्स वापस खड़े हो चुके हैं, अभी भी 3 टीम 11 खिलाड़ी है, एक्सो सादा फिनिशर्स नहीं है बट स्टिल टीम प्लेयर्स राइव करें एक अच्छा हाइट का एडवांटेज, तो एक्सो कुछ भी टीम जो कि फाइट निकाले बट जोन का एडवांटेज उनसे छीन लिया जाएगा, एंड अब प्योरली जोन का एडवांटेज टीम स्काईलाइट्स की तरफ, अगर इस एरिया को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं एमएस जोन की तरफ शायद आ सकते हैं, अगर उन्हें बचा लेते हैं प्रीटी मच श्योर एक्सो को भी यहां पे पिकअप निकाल लेंगे, इनसेन का भी निकालेंगे, विनर विनर चिकन रन कुड टीम स्काईलाइट्स, बट अगर ये चीज नहीं कर पाते हैं एक्सो कुड टीम जो कि एक डायरेक्ट सेवन देगी, एंड यहां पे स्काईलाइट्स के लिए पिकअप कन्वर्ट किया जा सकता है। सारी सब बात पता है यहाँ पे जो स्मोक्स डिप्लॉय किए गए हैं इट्स गोना ब्रेक स्काईलाइट समहाउ, आई मीन कहीं ना कहीं जब एक्सो भी एंटर करेगी और साथ साथ अगर आप बात करें इनसेन भी क्लोज इन करेगी तो स्काईलाइट दो तरफ एकदम एक समय पे ध्यान नहीं दे पाएगी, एंड देखिए कितने थ्रोएबल्स का इस्तेमाल दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, स्मोक्स के चलते दे विल ट्राई टू एंटर इन द स्मोक, एंड यहाँ पे फाइट के लिए कंटेस्ट किया जाएगा स्काईलाइट के साथ। अब सातवां सर्कल की बारी आती है, दे हैव मिराडो टू वर्क विद, मिराडो के साथ साथ उनके पास पिकअप भी है, इनसेन के प्लेयर्स के पास ओगिन के पास व्हीकल्स भले ही है बट एक्सो के प्लेयर्स अभी भी नजर गड़ाए बैठे, दो प्लेयर्स को सर्कल में भेजा बट एक प्लेयर अभी भी सुसाइडल किल्स के लिए रुका है, गॉब्लिन के स्प्रे के चलते सेंसियर इमॉर्टल गाड़ी के फटने से गेम से बाहर हो जाएंगे, बट इनसेन की तरफ से एक शानदार स्प्रे ऑन टुवर्ड्स सोमराज एंड एक अच्छा नॉक जरूर निकला, एक्सो आई मीन स्टिल अलाइव इन द गेम, ओके नो मोर आदि फिनिशेस मोर एज वेल, ऑल डाउन टू टू टीम्स 4 vs 4 इट इज, नियो डाउन नजर आने वाले हैं, सामने अगर हम बात करें स्काईलाइट के एक प्लेयर डाउन जरूर थे, कैमलो बॉय फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं बट काइलो काइलो आई मीन हाउ इज ही एबल टू डू दैट, ओपन से एक शानदार स्प्रे देखने को मिलेगा, कैमलो बॉय स्प्रे कर रहे थे उनको नॉक डाउन किया, उसके बाद शियाओ की तरफ से एक अच्छा ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा ऑन टुवर्ड्स प्लेयर्स एंड टीम इनसेन, आई मीन डाउन जस्ट 3 प्लेयर्स, क्लोज इन इनसेन के प्लेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काईलाइट्स के प्लेयर्स कोशिश भले ही करेंगे यहां पे सर्वाइव करने की बट जो नंबर्स है इट्स गोना फेवर टीम स्काईलाइट्स गेमिंग।
बिल्कुल न्यू ऑलरेडी यहाँ पे नौकर रिवाइवल देने को प्रायरिटी नहीं दे रही टीम। ट्राई करिए पहले फीट करके प्लेयर्स को स्काउट कर ले, अगर एक अच्छा एरिया है उनके पास समय है तब रिवाइवल दे। एंड ये लीजिए स्काउटिंग कर लीजिए बाय गॉब्लिन, बट गॉब्लिन को शायद पता नहीं कि रौनक जो कि एक अच्छे एरिया को होल्ड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे गॉब्लिन को वापस स्पॉट करते हैं प्रीटी मच श्योर ट्राई करेंगे स्प्रेस कनेक्ट करने का, एंड हो सकता है पिकअप भी कन्वर्ट करें। नियो का रिवाइवल मिल चुका है यहाँ पे गॉब्लिन द्वारा, ग्रेट अगेन। गॉब्लिन को ही पता कि रौनक वहाँ बैठे हैं, गॉब्लिन का ग्रेट रौनक को डैमेज जरूर देगा, नॉकडाउन नहीं कर पाया बट डैमेज दिया गया। एंड यहाँ पे एक और ग्रेट आ चुका है रौनक के तरफ, बूस्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं प्लेयर्स यहाँ पे, ट्राई करें कि अगर फाइट होती है एटलीस्ट हमारे पास इतनी हीलिंग्स हो, एटलीस्ट हम इतने बूस्टेड हो कि उस फाइट से बच पाए। रौनक की तरफ लगातार ग्रेट जा रहे हैं, गॉब्लिन एचपी कम है, हील्स है इनके पास, तो ट्राई कीजिए हील अप कर लीजिए बिकॉज अब इस सर्कल के बाद मौका नहीं मिलने वाला हीलिंग करने का। 40 सेकंड मात्र बचे हैं क्रैक इट, दिस 40 सेकंड्स कुड डिसाइड द गेम। एक अच्छा ग्रेनेड यहां पूरा गेम चेंज कर सकता है, एंड आई मीन फिलहाल के लिए वो इनसेन की तरफ से आ रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर टीम स्काईलाइट्स गेमिंग, बिकॉज़ तीनों प्लेयर्स इनसेन के एक ही पोजीशन पे, एक अच्छा कोक ग्रेनेड कैन चेंज द होल गेम। बट क्या वो आएगा, क्या इनके पास इतने यूटिलिटीज बचे हुए हैं, क्या इनके पास इतने थ्रोएबल्स हैं, क्या इस सिचुएशन को संभाल पाए, आई डोंट थिंक सो। प्ले जोन आई मीन इट्स गोना फेवर टीम इनसेन अ बिट, थोड़ा उनको थोड़ा सा ब्रीथ मिलेगा, बट स्काईलाइट्स गेमिंग लेट्स सी व्हाट्स कुकिंग इन देयर माइंड। उनको सर्कल में क्लोज इन करना है, एंड यहां पे इनसेन की यूटिलिटीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही, उनकी तरफ से अच्छे नेड्स आ रहे हैं, बट स्काईलाइट्स गेमिंग आई मीन उनके पास कोई भी नेड नहीं है। एक अच्छा ग्रेनेड गेम पलट सकता है यहां पे, इट्स अ 4 वर्सेस 3, इनसेन को खत्म करना बहुत आसान होगा, बट 12 फिनिशेस के साथ एक फ्लैंक आता है गैम्बलर बॉय की तरफ से, गैम्बलर बॉय माइट जस्ट चेंज द गेम, बट प्लेयर्स उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ग्रेनेड जाने वाले हैं। एयरड्रॉप का कवर जरूर लिया है, स्मोक से चलते आ जरूर गए, बट प्लेयर्स नो इट, प्लेयर्स उनको फुटस्टेप्स सुन चुके हैं, एंड अब यहां पे सर्वाइव करने की कोशिश, पुकार ऊपर से पीक करते हैं, टेक्स डाउन वन, मुर्डो आती है, दैट माइट चेंज द गेम, एंड गैम्बलर बॉय डज इट फॉर द टीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ विनर विनर चिकन एंड अ होल्डर, इट्स गोना बी टीम